Greetings friends, welcome to all of you once again in this IPR awareness videos. Myself Dr. Paresh Dave, founder of IP Movement and IPR for Society. So मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो IPR related subjects हैं उसको आम आदमी के लिए आम परिभाषा में कैसे बताया जाए. ओके, तो आज का जो विषय है वो है व्हाट इज ए पेटेंट, कि ये पेटेंट क्या है. जब भी हम कोई टर्म्स की बात करते हैं तो उसके लिए उसकी डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो पेटेंट जो है दिस इज वन टाइप ऑफ IPR, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार. पेटेंट एक टाइप का बौद्धिक संपदा अधिकार है. अभी उसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो पेटेंट इज ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट गिव्स लीगल राइट टू इट्स ऑनर फ्रॉम एक्सक्लूडिंग अदर्स फॉर मेकिंग यूजिंग and selling the invented for a limited period of years in exchange of publishing and details of the invention. अभी इसको सिंपल में लैंग्वेज में बताएंगे कि पेटेंट जो है वो उसके जो ऑनर है या उसके जो क्रिएटर है, जो आविष्कारक है, उसको राइट मिलता है, लीगल राइट्स मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से. गवर्नमेंट की तरफ से लीगल राइट्स मिलता है कि वो जो है वो किसी को भी उसको मेकिंग मींस बनाने से, यूजिंग यूज करने से और सेलिंग बेचने से रोक सकता है फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ राइट्स. दैट मीन्स दैट कुछ लिमिटेड समय के लिए, एंड दैट इज 20 ईयर्स. तो पेटेंट जो है वो उसके आविष्कारक को दूसरे लोग जो है उसको बनाने से, उसको यूज करने से, उसको बेचने से 20 साल तक रोक सकता है. मगर ये लीगल राइट क्यों मिलता है? बिकॉज द आविष्कारक होता है उसको उसके आविष्कार की जो डिटेल होती है उसको पब्लिकली बताना पड़ता है. दैट मीन्स दैट जो इन्वेंशन उसने किया है वो किस तरह से काम करेगा और क्या है वो इन्वेंशन, उसकी डिटेल्स जो है वो पब्लिक को बताना है. पब्लिक को बताना उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक में जाके बता देगा, वो है कि पेटेंट ऑफिस है उसमें उसकी डिटेल उसको सबमिट करनी होती है. तो पेटेंट ऑफिस जो है होती है एक जो गवर्नमेंट ऑफिस है, वो पेटेंट ऑफिस उसको पढ़ती है, उसको फिर उसको लीगल राइट्स देती है. तो पेटेंट जो आविष्कारक है अपनी इन्वेंशन की डिटेल गवर्नमेंट को बताएंगी, मींस गवर्नमेंट ऑफिस को बताएंगी, और गवर्नमेंट ऑफिस उसको फिर लीगल राइट और सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे, और वो जो सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे उसमें लिखा होगा कि वो दूसरे लोगों को मेकिंग यूजिंग और सेलिंग से रोक सकता है. तो ये हुआ पेटेंट, कि पेटेंट जो है आविष्कारक को अपनी डिटेल्स पब्लिकली डिस्क्लोज करनी है वाया पेटेंट ऑफिस, और उसके बदले में उसको राइट्स मिल जाएगा 20 साल के लिए कि वो दूसरे लोगों को मेकिंग यूजिंग और सेलिंग से रोक सकता है. सो ये पर्पज़ है पेटेंट का. पेटेंटिंग सिस्टम का क्या बेनिफिट्स है वो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें क्लियरली बताया गया है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो सबको समझ आ गया कि पेटेंट क्या होता है, और ऐसी और सी वीडियो मैं लेके आऊँगा. सो प्लीज़ अपना कॉमेंट्स बता रही, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी देते रहिए. धन्यवाद. थैंक यू.